Hello everyone, welcome back to the channel. First of all, thank you for watching all my videos. Today we are going for shopping. So we are going to shop for riding pants and obviously we are going with Natasha. Oh, I forgot to cover it. So let's see you on the road. Welcome back everyone. So we are hopping on the bike. We were supposed to leave by 1:30, but it's almost 2:30 now. We're going to pick up a friend. Also, for my friends who have requested to do the vlogs in Hindi also, तो आप सबका स्वागत है टोटल फिटनेस विद अतुल के व्लॉग्स में. अगर आप यहाँ पे आए हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल टोटल फिटनेस विद अतुल को भी फॉलो कीजिए प्लीज़. वहाँ पे मैं छोटी मोटी फिटनेस रिलेटेड बातें करता हूँ, मेरे वर्कआउट के वीडियोस डालता हूँ. मैंने किसी मेरे दोस्तों को हेल्प की है फॉर वेट लॉस एंड गेटिंग देयर लाइफ फिट. उनके भी ट्रांसफॉर्मेशन फ़ोटोज़ हैं, प्लीज़ डू फॉलो एंड शेयर. सो गाइस, लेट्स गो पिक अप माय फ्रेंड. सो हमारे जनाब दोस्त आ रहे हैं. वह ते कवरअप करायला. आय डोंट वॉन्ट इश्यू फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस. याप आ जाओ, बैठो. काय ते दॅट इज DIY. आय विल एक्सप्लेन इट टू यू लेटर. गाइस, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 2:35. We are in Borivali. We have to reach Powai. And let's see how much time does it take for us to reach. सब कुछ ट्रैफिक पे डिपेंड करता है because it's Mumbai city. Let's see. Let's go. Signal 3, 2, 1, go. Oh, I did not know that. Oh, ये पता नहीं था मुझे. ये पता नहीं था. अच्छा हुआ मैं निकल जाता था, नहीं तो ऑफिस का रूट हो गया. हाँ, मेरे से गलती होते होते बच गए रे बाबा. Guys, see you on the highway because there is no use of showing you all this city traffic. Everything is under construction. Mumbai is still developing. And there are diversions. And हाँ, she was in such a hurry कि वो सबको उड़ा के लेके जाती. या नो हाँ, माइकल शूमाकर. she was माइकल शूमाकर's mom. हाँ, she almost म्हणजे क्रॅश केलाच होता तिने. The doggy gang. सो हम लोग ने यहाँ पे हॉल्ट लिया था ईरानी चाय आरे में. वाह, साई सागर होटल. यहाँ पे रबड़ी ली और मेरे दोस्त ने चाय पिया. एंड वापस से निकलेगी नताशा. बस अभी घुमा के लेना ही है. तो आपको मिलते हैं वापस रास्ते पे. बाय. We have exited RA colony. Now we are headed towards Powai Lake, and by now you must have got the idea where we are going. हम लोग जा रहे हैं हमारे दोस्त के शॉप टाइगर मोटर पे. So this is the junction of IIT Mumbai Powai, and we are supposed to take a right turn from here to reach Tiger Motor store because if you go straight you will have to go a lot ahead and then you have to take a right turn. So the trick is, take that right lane. You can see that right lane. So you enter this lane and I guess you are supposed to take a first left turn. Yep, we are supposed to take the first left turn. Wow! That was scary. Viraj, close call. And again we take a left turn. So if it go ahead, you'll have to go a lot ahead, and then you'll have to take a U-turn from Kanjurmarg and come over here. And you can see it's a busy road. इतना ट्रैफिक में तो चलाना हमसे ना हो पाई बाबा। बस हम लोग हमारे मंजिल के इतने करीब होके भी इतने दूर है, और लगता है जैसे आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और हम लोग पहुँच गए हैं टाइगर मोटर। हेलो, ये हमारे जिशान सर। टाइगर मोटर स्टोर एंड हम लोग आज यहाँ पे आए हैं राइडिंग पैंट्स लेने के लिए। सो देखते हैं इनके पास कौन से राइडिंग पैंट के मॉडल्स हैं। तो जिशान सर, आपके पास कौन से राइडिंग पैंट के मॉडल? मेरे पास अभी फिलहाल सोलेस है। हाँ, सोलेस में S30 है और कूलप्रो दोनों अवेलेबल है। S30 और कूलप्रो दोनों अवेलेबल। S30 और मेरे साइज का रहेगा, अभी वो देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं कौन से मॉडल है। मॉडल्स दिखाइए। ओके, सोलेस का S30 पैंट है ये। okay. जिसमें आपको SafeTec का आर्मर्स आ जाता है लेवल 2, दोनों भी हिप पर और नीज पर। ओके, ठीक है। और दोनों भी T+/T- सर्टिफाइड है, ठीक है। okay. और इसमें आपको 2 वेंट्स दिए हुए हैं, जैसा आप देख सकते हैं। ये वाला एक वेंट है और एक यहाँ पर वेंट है। ओके ओके। और ये पूरा कॉर्डिला मटेरियल है, प्लस आपको यहाँ पर एक्सटेंशन पैनल प्लस 1000 कॉर्डिरा दिए यहाँ पर, ये पैच पे। और ये वाला जो इसमें जो आपको नी गार्ड्स आते हैं वो सिर्फ आपके नीज को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ तरफ सिर्फ यहाँ तरफ, इससे नीचे नहीं। ओके, तो अगर आप ये ले रहे हो, ये कब लेना है आपको? जब आप अगर 3-4 हज़ार जब इस पर स्पेंड कर सकते हो आपके नी गार्ड्स पर, तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। ये आपका पर्पस कहाँ सॉल्व कर रहा है? जहाँ आपका ब्रेकफास्ट राइड होने वाला है या आपका शॉर्ट राइड होने वाले हैं, जैसा यहाँ से आप मुंबई टू गोवा कर रहे हो तो उतना ठीक है। लेकिन आपको अगर प्रॉपर टूरिंग जैकेट, आपका मेन पर्पस वेंटिलेशन है, तो फिर कूलप्रो के लिए आप जा सकते हो। ओके, सो वन मोर थिंग, इसका पूरा कॉर्डोरा मटेरियल है, सो विच इज़ गुड फ्रॉम द सेफ्टी पर्सपेक्टिव। लेकिन इफ़ यू आर लिविंग इन अ ह्यूमिड सिटी, लाइक ह्यूमिड एरिया जहाँ पे आपको गर्मी होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो आपको इसमें गर्मी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आपको उस हिसाब से भी अगर आपको सोचना है, अगर आपका मेजॉरिटी ऑफ द राइड कोस्टल रीजन में है जहाँ पे ड्राई एरिया नहीं है या फिर ह्यूमिड वेदर है, वहाँ पे आपको ये पैंट्स में गर्मी ज़्यादा हो सकती है, नो डाउट। अगर आप ठंडे एरिया में हो, जैसे माउंटेन एरियाज नॉर्थ ऑफ इंडिया और एनीथिंग दैट इज़ नियर टू माउंटेंस, सो वहाँ पे ये आपको थोड़ा बेटर प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट द क्लाइमेट ऑल्सो। ओके, एक और चीज़ है, अगर आप देखोगे आपको जो एडजस्टमेंट दिया है वो सिर्फ इतना दिया हुआ है, तो सिर्फ आप इतना एडजस्टमेंट कर सकते हो इसमें। और इसका जो प्राइस रेंज आता है आपको वो आता है 7799। ओके, जो अभी दिसंबर 2021 में चल रहा है। एंड one of the major reason to go for Soleus is this आत्मनिर्भर भारत, so make in India। सोलेस के कूलप्रो प्लांट्स है टूरिंग एडिशन, ओके, जिसमें आपको फुल्ली मेश मिल जाता है, मेश मिल जाता है आपको जूम इन, ये यहाँ पर पूरा मेश, ये पूरा मेश एरिया जो मैं बोल रहा था। सो इससे ब्रीदेबिलिटी बढ़ेगा, यहाँ पे नीचे भी मैश है, सो और ब्रीदेबिलिटी, एयर सर्कुलेशन बेटर होगा, ओके और इसमें आपको प्रॉपर टूरिंग के लिए चार पॉकेट्स दिए हुए, दो यहाँ पर और दो ये आपके नॉर्मल पॉकेट, सो दो जिप वाले पॉकेट्स है, आई थिंक दोज आर वाटर प्रूफ, दोज आर वाटर प्रूफ, बाहर वाले, हाँ बाहर वाले ये वाले वाटर प्रूफ है, ये वाले का मैं बता नहीं सकता, ये वाले वाटर प्रूफ, ओके। सो बाहर के जो है वो वेलक्रो वाले हैं एंड दीज आर द जिप पॉकेट्स, ओके एंड इसके जो है SAS-TEC के आर्मर्स है जो कंपैरेटिवली मुझे सॉफ्ट लगे एंड जो आपके स्किन पे हार्श नहीं होंगे। एंड एक ऑब्जर्वेशन था मेरा, SAS-TEC के जो नी आर्मर्स है इसमें वो लंबे हैं, सो ये नी पे कहाँ तक कवर करेंगे मुझे? ये यहाँ तक, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पूरा कवर करेंगे। तो इसके नीचे तो हमारा राइडिंग बूट ही रहेगा, तो उसका टेंशन नहीं है। और अच्छे खासे रिफ्लेक्टर्स भी है साइड में, फ्रंट में, बैक पे भी यू गेट सोलेस ब्रांडिंग। एंड इसके एडजस्टर्स भी अच्छे खासे है, जो उसमें हमें S30 में यहाँ तक एडजस्टमेंट मिल रहा था, यू गेट फुल एडजस्टमेंट इन दिस, आप सिर्फ ये फुल करके एडजस्ट कर सकते हो, ओके। एंड S30 में आपको यहाँ पे भी कॉर्डेरा मटेरियल मिलता है, तो इसमें आपको मिलता है लेदर, सो दिस इज फॉक्स लेदर। एंड इसका एडवांटेज एक है कि आप सडन ब्रेकिंग जब भी करते हो तब आप स्किड नहीं होंगे सीट पे, जिसकी वजह से आपको सीट पे ग्रिप बनी रहेगी। एंड पीछे भी ये कॉर्डेरा है, दिस इज एक्सटेंशन मटेरियल, रिफ्लेक्टर, अगेन नीचे वेलक्रो, यू कैन ओपन दिस अप to access your boots or some whenever you want to have free air. So I think ये touring के लिए perfect रहेगा, perfect रहेगा touring के लिए ये। और यहाँ पर इसमें आपको zip मिल जाती है, ये zip इनका मटेरियल मिल जाता है, ताकि अगर आपको आपका जैकेट और आपका पैंट अगर वन पीस करना है तो आप कर सकते हैं, okay। और एक सजेशन है, जैकेट पैंट में आप अपने डॉक्यूमेंट्स या तो मोबाइल वगैरह ना रखें, जो भी है टैंक बैग या टेल बैग या शैडल बैग में ही रखो या टॉप बॉक्स में। दैट्स अ गुड सजेशन। तो ये साइज मेरे हिसाब से सही है, मैं ट्राई करूँ? आपकी एक्सेल है, मेरे को लग रहा है आपके एक्सेल है, लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखिए। चलो ट्राई करते हैं, लेट्स गो। बराबर बैठ रहा है, बराबर है, ऑसम, बहुत फिटिंग है। सो थोड़ा नजदीक आएंगे तो आपको बता दूं पैंट कहाँ पे पहनना है। अगर आपका वेस्ट लेवल यहाँ पे है, हिप बोन यहाँ पे है, आपको उसके ऊपर पैंट पहनना है, ओके, इसके ऊपर पैंट पहनना है। जहाँ पे आपका लोअर एब्डोमेन होता है तो आपका नेवल जहाँ पे होगा वहाँ पे, सो आपका नेवल जहाँ पे है, दैट्स वेयर योर पैंट शुड स्टार्ट, ओके। एंड वन ऑफ द बेस्ट वे टू टेस्ट चेक फिटिंग ऑफ द राइडिंग पैंट इज टू चेक वाई डूइंग स्क्वाट। सो स्क्वाट्स तो हम लोग वैसे भी जिम में करते हैं, थोड़ा आगे आता हूँ और देख लो, यू शुड बी एबल टू स्क्वाट फुल डाउन, ओके, ये पूरा कंफर्टेबल होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू डू दिस। बराबर, कुछ मिस्टेक? कोई कुछ मिस्टेक, मस्त कंफर्ट है, हवा भी अच्छी खासी आ रही है बिकॉज ऑफ द मैश पैनल्स। एंड सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, बाकी एक है, जब भी आप राइडिंग पैंट पहन रहे हो ऐसा बैगी नहीं, पूरा ऊपर तक, ताकि उसका जो उधर पीछे का जो प्रोटेक्शन दिया है आपको, लेदर जो दिया है वो अपने जगह पर रहे। तो आपके हिप प्रोटेक्टर्स यहाँ पे आते हैं जो आपके हिप जॉइंट्स को बचाते हैं, या नी प्रोटेक्टर्स कम हो, या वन ऑफ द थिंग विच आई जस्ट डिस्कवर्ड इज इसके नी प्रोटेक्टर्स एडजस्टेबल है, तो मैं और एक स्टेप नीचे ले सकता हूँ उनको, और दो स्टेप नीचे ले सकता हूँ उसको। सो आई नीड टू पुल देम डाउन बाय वन लेवल, तो वो मैं कर लूँगा एडजस्टमेंट। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग बाइक पे जाके टेस्ट करेंगे। तो वन ऑफ द थिंग्स टू चेक व्हेन यू परचेस अ राइडिंग पैंट इज बाइक पे बैठ के देखना, क्योंकि हम लोग वहीं पे सबसे ज़्यादा राइडिंग पैंट पहनने वाले हैं। सो लेट्स गेट टू नताशा। सबसे पहली टेस्ट नॉर्मल, यहाँ से करके देखते हैं रोड साइड पे। ट्राई करके हो गया, मस्त फिटिंग है। अब मुझे बताओ इसके साथ लाइनर्स क्या क्या मिलेंगे? तो इसके साथ आपको ये वार्मर आ जाता है जो इसके अंदर ही अटैच आता है, ये टैंक के अंदर रहेगा। चेन पर अटैच करना है इसको, चेन एंड वेलक्रो। ओके ओके, फिर उसके बाद में इसका है रेन पैड, रेन कवर, जो कि कुछ ऐसा आ जाता है आपको। अच्छा, जो इसमें भी ऊपर से पहनना है। हाँ, और इसमें भी रिफ्लेक्टर्स, और इसमें भी रिफ्लेक्टर्स है। प्लस एक और अच्छा चीज़ है, वो है ये, अगर आपने शूज़ पहना है तो इसको लो और शूज के इतना रख के इसको टाइट कर दो। शूज तो ऑब्वियसली पहनेंगे हम लोग, तो शूज के पैंट ऊपर नीचे ना हो, ज्यादा पानी शूज के अंदर ना जाए, ताकि ये उसमें हेल्प करेगा। और यहाँ पर भी इसका सोलेस का ब्रांडिंग है, सोलेस का ब्रांडिंग। ग्रेट, ओके, दैट्स गुड, थैंक यू। चलो बिलिंग करते हैं। चलो, अब होगी पैसे की बातें। थैंक यू वेरी मच। आते रहेंगे ऐसे ही, आते रहो आते रहो। ये लो, राइड सेफ, राइड हार्ड, रोर फॉर यू। ओके बाय। चलो, सो मैं यहाँ पे ब्लॉग क्लोज करूँगा, बिकॉज आज का पर्पस पूरा हो चुका है, आज का स्टोरी भी क्लोज हो चुका है। एंड इसके बाद अभी भी मैं मोटो ब्लॉग करूँगा, लेकिन अगर कुछ रहा तो स्टे ट्यून फॉर पोस्ट क्रेडिट सीन्स। बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। बाय। Hi, so finally I'm at home. There is one thing which I forgot to tell everyone is, जब भी आप राइडिंग पैंट पहनते हो, whenever you wear a राइडिंग पैंट या फिर राइडिंग जैकेट, और राइडिंग जैकेट you should wear an base layer or a quick dry layer in humid regions, or your fleece or winter layer inside those riding gears, so that you won't have issues with your skin, because the inner side of the riding gear can be rough on your skin. तो आपको कुछ स्किन के issues ना हो, इसके लिए try to wear base layer which come from Rida or any quick dry fit material inside the riding band. We do not wear riding bands on your jeans or regular trousers. So that's what one point I missed. So that's it from my side. Hope you liked the video. Please do like, subscribe, and share with everyone, and don't forget to love yourself. Bye bye.